हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू ई लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सेठ छोटेलाल एकेडमी राठ। टुडे वी विल रीड एक्सरसाइज डी लेसन वन इंग्लिश ग्रामर। मैच द सेंटेंस ओपनिंग टू एन एप्रोप्रिएट नाउन ऑन द राइट, देन रीड द सेंटेंसेस। यू कैन सी 1, 2, 3, 4 अब तो 12 नंबर तक के यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ से ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल तक यहाँ पर ये डिवाइसेस लिखे हुए हैं, या वो चीज़ें लिखी हुई हैं जिनका ये लोग यूज़ करते हैं। बोथ आर नाउस। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर से देखते हैं। अ फोटोग्राफर यूजेस आ, एक फोटोग्राफर जो है वो यूज़ करता है। अब आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे कैमरा। फोटोग्राफर का काम है कैमरा, कैमरे पे काम करता है। तो फोटोग्राफर इज मैच्ड विथ कैमरा। सेकंड नंबर पे एन आर्टिस्ट यूजेस, आर्टिस्ट यानी जो ड्राइंग बनाता है वो क्या यूज़ करता है बच्चों, पैलेट। यू कैन सी ए फोटोग्राफ ऑफ पैलेट हियर, दिस इज द पैलेट। कैन यू सी? यस। थर्ड नंबर, एन अकाउंटेंट यूजेस आ, एक अकाउंटेंट, अकाउंटेंट उसको बोलते हैं जो किसी कंपनी में जितना भी वहाँ पर पैसा आता है जाता है उन सब चीज़ों का हिसाब रखता है, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट का यूज़, अकाउंटेंट जिस चीज़ का यूज़ करेगा वो है यहाँ पे कैलकुलेटर। ए नंबर पे लिखा हुआ है कैलकुलेटर। इन द नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर पे, द रेफरी यूजेस आ, रेफरी आप जानते होंगे मैच में रेफरी होता है, जैसे क्रिकेट के गेम में एम्पायर होता है वैसे ही और दूसरे जो गेम्स होते हैं उनमें रेफरी होता है। तो रेफरी यूजेस, रेफरी क्या यूज करेगा इसमें से, देखिए ध्यान से, दिस विसिल। तो रेफरी का काम है विसिल। वैसे भी आपने गेम्स में देखा होगा फुटबॉल मैच में जो रेफरी होता है वो विसिल बजाने का काम करता है, विसिल बजा के ही अपने सारे इंडिकेशन देता है। तो रेफरी यूज करेगा विसिल। फिफ्थ नंबर पे अ कुक यूजेस, जो कुक है वो क्या यूज करेगा, अ कुक यूजेस, यहां से देखिए ये रेसिपीज। कुक, कुक यानी जो खाना बनाने का काम करता है वो रेसिपीज को यूज करता है। रेसिपीज मीन्स कोई भी डिश बनाने का जो तरीका होता है उसको रेसिपी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डाइवर, ध्यान से देखिएगा, ये ड्राइवर नहीं है बच्चों। अ डाइवर यूजेस आ, एक डाइवर, डाइवर बोलते हैं गोताखोर को, जो बड़े बड़े समुद्र में डुबकी लगाने का या डाइव करने का काम करते हैं उसको डाइवर बोलते हैं। तो डाइवर क्या यूज करेंगे यहां से देखिए, ये दिस वन, स्कूबा सूट। डाइवर की एक अलग तरीके की एक ड्रेस होती है, उसको स्कूबा सूट बोलते हैं। तो आपने देखा भी होगा कई बार टीवी पर देखा होगा या कहीं और भी देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि डाइवर यानी जो गोताखोर होते हैं वो स्कूबा सूट पहनते हैं, ये उनका स्पेशल तरीके का एक ड्रेस होता है। नेक्स्ट वन इज सेवन, एन एक्सप्लोरर यूजेस आ, एक्सप्लोरर, चिल्ड्रन एक्सप्लोरर तो आप जानते होंगे, एक्सप्लोरर बोलते हैं कोई चीज़ को खोजने वाला। तो एक्सप्लोरर यूज क्या करता है यहाँ से देखिए, ये दिस वन, कंपास। कंपास आप जानते होंगे बच्चों, कंपास बोलते हैं जो किसी भी जगह पे डायरेक्शन बताने का काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड कंपास। कंपास से डायरेक्शन जाना जाता है। तो जो लोग एक्सप्लोरर होते हैं, जो खोज करने का काम करते हैं, वो जाते हैं कहीं तो वो कंपास लेके जाते हैं, ताकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ से कहीं वो डायरेक्शन मिस ना कर दें। नेक्स्ट वन इज एट नंबर, ए डॉक्टर यूजेस आ, डॉक्टर क्या यूज करता है ये तो सभी बच्चों ने देखा होगा, और यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये दिस वन, स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर के कान में और गले में वो एक चीज पड़ी रहती है, हम लोग उसे आला कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप इन इंग्लिश, इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं इंग्लिश में। द नेक्स्ट वन इज अ सर्जन यूजेस अ, सर्जन, सर्जन यानी जो सर्जरी करने का काम करता है, जैसे ऑपरेशन करने का काम करता है तो उसको सर्जन बोलते हैं। सर्जन ऑपरेशन करता है तो स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करेगा, वो कुछ और चीज़ यूज़ करेगा
ऑपरेशन में काम आने वाली कोई चीज यहाँ पे जरूर दी गई होगी, आप ध्यान से देखिए। ये दिस वन स्कैल्पल, स्कैल्पल होता है एक तरीके का नाइफ होता है जिससे कुछ भी कट करने का काम करते हैं वो, जो सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं वो इसका यूज करते हैं। द नेक्स्ट 10 नंबर इज अ प्रोग्रामर यूजेस अ प्रोग्रामर, यानी जो लोग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, आप समझ गए होंगे प्रोग्राम कहाँ डिजाइन किए जाते हैं, कंप्यूटर पे, तो प्रोग्रामर क्या यूज करेंगे, कंप्यूटर। एंड द नेक्स्ट इज एन एस्ट्रोनॉमर यूजेस अ एस्ट्रोनॉमर, चिल्ड्रन आप जानते होंगे एस्ट्रोनॉमर उनको बोलते हैं जो यहाँ से बैठ करके स्टार्स को देखते हैं, स्टार्स को देखने के साथ उन स्टार्स की स्टडी भी करते हैं, तो स्टार्स की स्टडी करते हैं तो उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। अब स्टार्स बहुत दूर होते हैं तो उनको देखने के लिए क्या चाहिए होगा, टेलीस्कोप। यस दिस इज रिटन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक तरीके का हमारा डिवाइस होता है, एक मशीन होता है जिससे हम यहाँ पर अर्थ पर रह करके और ऊपर स्काई में स्टार्स को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। चिल्ड्रन नेक्स्ट इज रिटन अ म्यूजिक कंडक्टर यूजेस अ, अब म्यूजिक कंडक्टर यानी म्यूजिक कंडक्ट करने वाला, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन म्यूजिक कंडक्टर जो होते थे, अगर आप लाइव कोई म्यूजिकल प्रोग्राम देखेंगे तो उनके हाथ में एक तरीके का एक स्टिक होती है, उस स्टिक से वो बार बार ऐसे ऐसे स्टिक को हिलाते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि कैसे जो भी ट्यून चल रही है उसका मूवमेंट कैसा रहेगा, है ना। तो वो उसको, जो उनके हाथ में स्टिक रहती है उस स्टिक को क्या बुलाते हैं, बैटन। देखिए दिस इज रिटन हियर बैटन, तो अ म्यूजिक कंडक्टर यूजेस अ बैटन। सो चिल्ड्रन मैंने आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिफाइन करी है और आप इसको पढ़िएगा ज़रूर और इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।